नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे ऑक्सीजन टैंक। बिहार के लिए केंद्र सरकार बढ़ाएगी रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा। सरकारी राशन पाने के लिए नहीं लगाना होगा मशीन पर अंगूठा। लालू यादव को जमानत के बाद भी जेल से निकलने में आ रही हैं मुश्किलें। बिहार कांग्रेस ने जताई वैक्सीन के रैपर पर आपत्ति। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे ऑक्सीजन टैंक। बिहार के अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भंडार समय पर उपलब्ध रहे, इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत बिहार सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन के भंडारण के लिए 20-20 किलो लीटर का ऑक्सीजन टैंक बनवाने जा रही है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें बताया गया कि मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल और 100 बेड के पीकू अस्पताल के लिए 20-20 किलो लीटर क्षमता के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल राज्य में पटना एम्स के पास 30 किलो लीटर, पारस अस्पताल में 20 किलो लीटर, पटना एनएमसीएच में 10 किलो लीटर व बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में 10 किलो लीटर क्षमता का क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक है। इस टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में अभी 104 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि राज्य में अभी ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है, क्योंकि बिहार में ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए टैंकर और भंडारण क्षमता की समस्या बनी हुई है। बिहार के लिए केंद्र सरकार बढ़ाएगी रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा 30 अप्रैल तक के लिए 24,000 से बढ़ाकर 40,000 वायल कर दिया गया है। इस बात की जानकारी भाजपा से सांसद सुशील कुमार मोदी ने दी है। इस संबंध में उन्होंने रविवार को एक ट्वीट भी किया, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने के लिए चार्टर्ड विमान गुजरात भेजने के सीएम नीतीश कुमार के फैसले का आभार जताया। यह दवा आज शाम तक आ जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार में रेमडेसिविर की कमी नहीं होने देगी। ऐसे में लोगों को ना इंजेक्शन की कमी की अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए और ना ही बिना डॉक्टरी सलाह के इंजेक्शन की खरीद करनी चाहिए। वहीं सुशील मोदी ने यह भी बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड से 551 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है, जिससे हर जिला केंद्र में एक ऑक्सीजन प्लांट लग सकेगा। लालू यादव को जमानत के बाद भी जेल से निकलने में आ रही हैं मुश्किलें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भले ही चारा घोटाले के एक मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी हो, मगर अभी भी उनके जेल से बाहर आने में समस्याएं बनी हुई है। उनके जेल के छूटने के कयास 1 से 2 दिन में लग रहे थे, मगर अब वो 2 मई से पहले जेल से नहीं छूट सकते हैं। दरअसल रांची के बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने अगले 2 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके तहत वर्चुअल और फिजिकल किसी माध्यम से वह कोर्ट शामिल नहीं होंगे। इस कारण राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जेल से बाहर निकालने के लिए अब 1 सप्ताह का इंतजार और करना पड़ेगा। वहीं बार काउंसिल के निर्देश के बाद फिलहाल अभी कोई भी वकील बेल बॉन्ड भरने कोर्ट नहीं जाएंगे। इस कारण लालू प्रसाद 1 सप्ताह बाद बेल बॉन्ड भरने के बाद ही जेल में रहने की सजा से छूट पा सकेंगे। पुणे से बिहार के दानापुर और भागलपुर के लिए रेलवे चलाएगी स्पेशल ट्रेन। दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन की संख्या में लगातार वृद्धि कर रही है। वहीं इस क्रम में महाराष्ट्र के पुणे से बिहार के दानापुर और भागलपुर के लिए पूर्व मध्य रेल ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत गाड़ी संख्या 01469 पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन 27 अप्रैल को यानी कि कल से पुणे से शाम 5:40 में चलेगी। यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए दानापुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में दानापुर से पुणे के लिए ट्रेन 29 अप्रैल को सुबह 5 बजे खुलेगी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी संख्या 01469 पुणे भागलपुर स्पेशल ट्रेन 28 अप्रैल को पुणे से खुलेगी। यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सासाराम गया किउल होते हुए भागलपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन भागलपुर से 29 अप्रैल को रात 10 बजे खुलेगी। टीवी के राम करेंगे कोरोना मरीजों की मदद। टीवी में रामायण धारावाहिक में राम की भूमिका से फेमस हुए अभिनेता गुरमीत चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ऐलान किया है। संकट की घड़ी में वह मरीजों की स्थिति को देखते हुए 2 अस्पताल खोलने की योजना पर काम कर रहे हैं, ताकि लोगों की मदद की जा सके। इस संबंध में गुरमीत चौधरी ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि वे अपने पटना और लखनऊ में आम आदमी के लिए अल्ट्रा मॉडर्न 1000 बेड का अस्पताल खोलने जा रहे हैं, जिसके बाद अन्य शहरों में भी इस काम को वे आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से
आशीर्वाद और समर्थन भी मांगी है और इसके विवरण को जल्द ही साझा करने की बात भी कही है। इससे पहले गुरमीत चौधरी ने सीता का रोल कर चुके पत्नी देवीना बनर्जी के साथ ही हाल ही में एक और बेमिसाल काम किया था। उन्होंने अपने स्थानीय क्लिनिक पहुंचकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया था, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं और प्लाज्मा डोनेशन कई कोविड पॉजिटिव क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए एक जीवन रक्षक की तरह काम करता है। सरकारी राशन पाने के लिए नहीं लगाना होगा मशीनों पर अंगूठा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन लेने वालों के स्वास्थ्य हित को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब जो भी लाभुक जनवितरण प्रणाली से अनाज लेने जाएंगे तो उन्हें पॉश मशीन पर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। दुकान में ही आंखों का स्कैन कर उनकी पहचान कराई जाएगी और फिर उन्हें अनाज मुहैया करा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अंगूठा लगाने से होने वाले कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक आंखों के स्कैन कराने से संक्रमण का खतरा नहीं होता है और बायोमेट्रिक तरीके से सत्यापन भी हो जाता है। इसके लिए सभी जिलों के जनवितरण प्रणाली को दुकानदारों को इस तकनीक का जल्द से जल्द उपलब्ध करने का निर्देश भी दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए 18 से 45 साल के बीच लोगों को नहीं लगेंगे वैक्सीन। बिना रजिस्ट्रेशन कराए 18 से 45 साल के बीच के लोगों को नहीं लगेंगी वैक्सीन। देश भर में अन्य राज्यों के साथ ही बिहार में भी 1 मई से 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, मगर बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी कीमत पर वैक्सीन नहीं मिलेंगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, साथ ही साफ किया है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलने की सुविधा नहीं रहेगी। दरअसल अभी 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया चल ही रही है। टीकाकरण से पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया है, लेकिन जब सेंटर पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाने पर बिना रजिस्ट्रेशन वालों को भी वैक्सीन लगा दी जाती है। लेकिन इस नए चरण में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो भी लोग कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके सेंटर पहुंचेंगे उन्हीं को टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा वॉक इन सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। NIOS ने जारी किए विभिन्न कोर्सेज की परीक्षाओं के रिजल्ट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने DL8 वोकेशनल कोर्सेज और बिहार राज्य के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आयोजित परीक्षाओं के परिणाम को घोषित कर दिया है। इसके तहत जो भी स्टूडेंट NIOS की DL8 या फिर वोकेशनल या फिर कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, वे अपना स्कोर कार्ड संस्थान के वोकेशनल एजुकेशन पोर्टल voc.nios.ac.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि NIOS द्वारा DL8 वोकेशनल और कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए परीक्षाओं का आयोजन फरवरी 2021 के दौरान किया गया था। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे निधि याशा के बारे में। निधि याशा का जन्म आज ही के दिन 24 अप्रैल को साल 1983 में पटना में हुआ था। बिहार की यह बेटी एक सफल इंडियन कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। उन्होंने साल 2005 में दिल्ली से निफ्ट से अपना ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद 2008 में वे मुंबई गई और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के क्षेत्र में कई बड़े चैनलों के लिए काम किया। उन्होंने GTV के शो बुद्ध, स्टार प्लस के शो महाभारत, देवो के देव महादेव, रामलीला, चंद्रगुप्त मौर्य, नव्या, जोधा अकबर जैसे कई फेमस सीरियल में भारतीय कॉस्ट्यूम को किया। इसके साथ ही 1920 इविल रिटर्न, जिला गाजियाबाद, पुलिस गिरी जैसे बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने डिजाइनिंग का काम किया। बिहार की बेटी निधि को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिहार कांग्रेस ने जताई वैक्सीन के रैपर पर आपत्ति। बिहार में अब कोरोना वैक्सीन को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं। राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बार वैक्सीन पर नहीं बल्कि वैक्सीन के रैपर पर सवाल उठाए हैं। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इस बारे में कहा कि जो भी वैक्सीन जनता ले रही है उसके रैपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र है, जबकि उनकी जगह वैज्ञानिक का चित्र होना चाहिए था। इसे लेकर अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आश्चर्य है कि वैक्सीन के रैपर पर वैज्ञानिक की जगह प्रधानमंत्री की फोटो लगी है। वहीं पत्र के जरिए उन्होंने सरकार से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड और दवाओं की किल्लत दूर करने के लिए कारगर कदम उठाने की भी बात कही है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने आधी रात को लिया अस्पताल की व्यवस्था का जायजा। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों और उन्हें मिलने वाली सुविधा को लेकर विपक्ष भी मुस्तैदी से हर व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए है। इस क्रम में रविवार की रात जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कई अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांटों का दौरा किया। इस क्रम में वे NMCH पहुंचे, जहां की व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताई। दरअसल कुछ परिजनों ने उन्हें बताया कि NMCH में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी अस्पताल में ही है। वहीं अस्पताल में शव को श्मशान तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस और स्टाफ भी नदारद थे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चारों
चारों तरफ गंदगी फैली है जिसकी सफाई प्रबंधन द्वारा नहीं कराई जा रही है। इस परिस्थिति में लोग बीमारी से कम हालातों से ज्यादा मरेंगे। वहीं इन सब का दोषी पप्पू यादव ने बिहार सरकार को बताया है। संगीत जगत के चर्चित गायक पंडित राजन मिश्र के निधन पर सीएम ने जताया शोक। देश में संगीत जगत की चर्चित जोड़ी राजन साजन मिश्र की जोड़ी बीते दिन रविवार को टूट गई और शास्त्रीय गायक पद्मभूषण राजन मिश्र कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना से संक्रमित 70 वर्षीय पंडित राजन मिश्र ने वेंटिलेटर के अभाव में दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल में शाम करीब 6:30 बजे दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार चिकित्सकों ने उन्हें तत्काल वेंटिलेटर पर रखने की सलाह दी थी, मगर सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं थे, जिसके बाद उन्हें अन्य जगहों से वेंटिलेटर की व्यवस्था करने से पहले ही पंडित राजन ने दम तोड़ दिया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताते हुए आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की है। रविवार देर रात अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित राजन मिश्र जी का कोरोना के कारण निधन का समाचार काफी दुखद है। उनके निधन से संगीत जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। आर अश्विन ने किया आईपीएल 2021 से बाहर होने का फैसला। आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन ने इस सीजन से बाहर होने का फैसला किया है। इसका ऐलान उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट के माध्यम से किया है। दरअसल उनका परिवार अभी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में परिवार की मदद के लिए अश्विन ने इस सीजन से ब्रेक लेने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैं इस साल के आईपीएल सीजन से एक ब्रेक ले रहा हूं और कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में अपने परिवार की मदद करना चाहता हूं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगले सप्ताह देश की स्थिति में सुधार होता है तो वे वापस लौट सकते हैं। वहीं उनके इस फैसले पर उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने आधिकारिक हैंडल के जरिए उन्हें समर्थन दिया है। देश भर में 24 घंटे में आए 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले। देश भर में कोरोना के नए केस हर दिन अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में पहली बार एक दिन में 3,52,991 नए मामले दर्ज किए गए और सोमवार को देश में अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों की संख्या भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कुल 2,812 लोगों की मौत के साथ ही देश भर में अब तक मरने वालों की संख्या 1,95,123 हो गई है। वहीं देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 28,13,658 फिलहाल हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए लोगों की संख्या 2,19,272 है। वहीं अगर हम बात अपने राज्य बिहार की करें तो बीते दिन के बीते 24 घंटे में बिहार में 12,795 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही बिहार में अब कुल एक्टिव केस 87,154 पर पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट भी घटकर 77.87% हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आईपीएल में आज शाम खेले जाने वाले मैच में पंजाब किंग्स 11 और कोलकाता नाइट राइडर्स में किस टीम का पलड़ा भारी है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।